कुमार तिवारी, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी फैशन हाउस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसपे आप घर बैठे ही अपनी आवाज़ के थ्रू ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, हजारों लाखों इवन करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ये पूरा देखिए, जानने के लिए आपको पूरा देखना होगा, इसको बीच में स्किप नहीं करना। अब मैं आपको इसके लिए कुछ उदाहरण देता हूँ कि जैसा कि आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में हॉलीवुड टॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, उर्दू हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु भोजपुरी बहुत सारी लैंग्वेजेस में मूवीज़ बनती हैं, फिर वो डब होकर के इंग्लिश हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का भोजपुरी में, भोजपुरी का तमिल में, तमिल का तेलुगु में, इस तरीके की लैंग्वेजेस में मूवीज़ कन्वर्ट होती रहती हैं। तो ये किस तरीके से मूवीज़ कन्वर्ट होती हैं और इसमें आपका कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी टॉपिक पे कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको आपकी आवाज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपनी आवाज़ को सेल कैसे कर सकते हैं। ये सारी मूवीज़ तो आप लोग भी देखते रहते हैं कि बहुत सारे जैपनीज़ अमेरिकन जो कार्टून के चैनल्स हैं वो इंग्लिश में, जैपनीज़ लैंग्वेज में और जर्मनी लैंग्वेज में होते हैं, फिर वो हिंदी में कन्वर्ट होके हमारे इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे चलते हैं और उसको बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होके देखते हैं। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ डोरेमोन का। डोरेमोन में एक लड़की की आवाज़ आपने देखी होगी जो थोड़े दिन पहले कपिल शर्मा शो में भी आई थी। वो तीन चार आवाज़ें निकालती है और उस अपनी आवाज़ के थ्रू ही बहुत सारे पैसे कमाती है। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आप भी अपनी आवाज़, आपकी जैसी भी आवाज़ है, बच्चे की आवाज़, बूढ़े की आवाज़, ख़राब आवाज़, अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़, मोटी आवाज़, पतली आवाज़, जैसी सारी आवाज़ है, आप अपनी आवाज़ का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होगा कैसे, ये कैसे करेंगे? हमें भी पता है कि हमारी आवाज़ चलो अच्छी है या ख़राब है, क्योंकि हमारी ख़राब आवाज़ भी ख़राब एक्टर के लिए ज़रूरी होती है, अच्छी आवाज़ अच्छे एक्टर के लिए भी ज़रूरी होती है। तो आपने देखा होगा कि भगवान क्या करता है कि सभी को ये चीज़ें नहीं देता है। अगर आपको कोई अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी सूरत, अच्छी सब चीज़ दे दी है, अच्छी एक्टिंग भी आपको आती है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत गंदी होती है किसी किसी एक्टर की, तो उसकी आवाज़ को डबिंग करने के लिए एक वॉइस एक्टर रखा जाता है। वही वॉइस एक्टर का रोल आप प्ले कर सकते हो। अपनी आवाज़ आप रिकॉर्ड करिए और अपलोड कीजिए इस साइट पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पे आवाज़ अपलोड करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सैंपल्स अपलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है और वो आवाज़ आपको सेलेक्ट हो जाती है। इन केस अगर किसी भी सीरियल में इंडिया, इंडिया से बाहर कहीं भी सेलेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसी साइट है जो सब सारे कस्टमर यहीं से वॉइस खरीदते हैं। ये बिल्कुल ही सिक्योर साइड है जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालोगे, एक वॉइस का सैंपल बना के आपको डाल देना है, कुछ भी बोलना है कि मैं, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ या मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और अपनी लैंग्वेज में ही बात करिए। आप बन के बात मत करिए। अगर आपकी लैंग्वेज देहाती ठेठ है तो आप वही बात करिए। आप देखते नहीं हो कि मूवीज़ में बहुत सारी लैंग्वेज चेंज करके डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छी मूवीज़ हिट होती है, जैसे लाल बादशाह आपने देखी होगी, उसमें भोजपुरी मूवी, सॉरी भोजपुरी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज हुए हैं। अभी करंट में जो पीके आई थी उसमें भी जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी लैंग्वेज है और कितनी अच्छी हिट मूवी हुई है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बनके आवाज़ नहीं निकालना, कि अगर आपको कोई ठेठ लैंग्वेज आती है और आप उसको खड़ी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सैंपल रिकॉर्ड करते हो तो वो आपकी बनावटी लैंग्वेज होती है, वो आपका अच्छे से नहीं हो पाता है ना। आप जो है वही लैंग्वेज आप डालिए, हो सकता है अगर वो सेलेक्ट हो जाती है तो आपका भविष्य बन जाएगा, आप लाखों करोड़ों के आदमी हो जाओगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि अपनी आवाज़ को आप कहाँ सेल कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। तो इसमें आपकी ख़राब आवाज़ भी है तो ख़राब ही रखिए, क्योंकि ख़राब एक्टर के लिए, ख़राब करेक्टर के लिए ख़राब लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके लिए आप चाहे लड़की हो, चाहे बच्चा हो, चाहे न्यू बॉर्न बेबी हो,
चाहे कोई भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो सारी लैंग्वेज जो है ना यहाँ पे सेल और परचेज की जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ये सारी चीज़ें अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ और साथ ही साथ मैं ये चीज़ आपको अपने मोबाइल से भी करके दिखाता हूँ कि हो सकता है कि कई लोगों के पास में लैपटॉप नहीं होता है, मोबाइल होता है, तो वो मोबाइल से इस साइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो बने रहिए, हमारी इस वीडियो को स्किप मत करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड हर रोज़ एक नया वीडियो लेके आता हूँ। तो ये हमारी वीडियो को देख करके पता नहीं किसकी क्या किस्मत पलट जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले आप अपने एक लैपटॉप पे किस कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लो। उस ब्राउज़र में आप टाइप करिए voice123.com। voice123.com आप जैसे टाइप करेंगे तो सब आपके सबसे ऊपर ये साइट दिखेगी, वॉइस वर्ड्स फर्स्ट वॉइस ओवर मार्केट प्लेस। ठीक है, ये एक आवाज़ का एक मार्केट है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ भी है। तो इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो इस टाइप का सरफेस खुल के आएगा, आपके पास एक पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये तीन चार चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि सर्च वॉइस एक्टर कि वॉइस एक्टर सर्च करना चाहते हैं, या पोस्ट ए प्रोजेक्ट, कोई आप प्रोजेक्ट पोस्ट करना चाहते हैं ज्वाइन एज ए वॉइस एक्टर। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि ज्वाइन एज ए वॉइस एक्टर करना है, क्योंकि आप अपनी आवाज़ सेल करना चाहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ज्वाइन एज ए वॉइस एक्टर। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने ये एज ए वॉइस एक्टर व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक फ्रेंकली, आपका जो है ना, आप कौन सी लैंग्वेज अच्छे से स्पीक कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना है, अगर आप इंग्लिश में आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश टाइप करके वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पंजाबी करना चाहते हैं तो यहाँ पे पंजाबी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी। तो मैं आपको एक हिंदी का एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। और प्लस में यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं एक पंजाबी भी कर देता हूँ, है ना, ये दिखाने के लिए। तो मैं पंजाबी में कोई सैम्पल तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बट मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ये आसान रहे। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आप एक या दो ही लैंग्वेज सेलेक्ट करें, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सेलेक्ट ना करें, नहीं तो फिर ये मार्केट प्लेस वाले सोच लेते हैं कि नहीं, ये कोई फेक है, इसमें कोई दम नहीं होगा। तो दो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप बेबी की आवाज़ का सैंपल देना चाहते हैं, चाइल्ड का, मेल एडल्ट, मेल सीनियर, फीमेल, टीनेजर्स, बहुत सारी चीज़ें ये दी हुई हैं। तो आपका जो भी हो आप वो सैंपल दीजिए। अगर अपने आप बच्चे का दे रहे हैं, किस चाइल्ड का दे रहे हैं, तो उस पर क्लिक करिए। मैं यहाँ पे मेल एडल्ट का क्लिक कर लेता हूँ। मेल एडल्ट का क्लिक किया मैंने, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखो, दो तीन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, आप कैसे किस टाइप से लैंग्वेज का इसमें आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो डिजिटल डिलीवरी ईमेल लिखा हुआ है ना, ये मैं इसी ऑप्शन को कर लेता हूँ, डिजिटल डिलीवरी ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव और वी ट्रांसफ़र। ठीक है, तो यही मैं ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन पे, ये बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको जो जो सा अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिजिटल डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख आपको दिखा रहा है, दो तीन चीज़ें और भी आई हुई हैं कि आप इसमें कोई म्यूज़िक ऐड करना चाह रहे हैं, कोई इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, या फिर आपकी डायरेक्ट वॉइस है, क्योंकि इफ़ेक्ट और इन इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो आपके पास इफेक्ट डालने का अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो आप यही ऑप्शन चुनिए, डिलीवरी एडिटर एंड द फिनिशिंग वॉइस ओवर। ठीक है, तो आप ये एडिटर का ऑप्शन चुन सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं, एक छोटा सा ऑप्शन मांगता है कि आपको मेल आईडी यहाँ पे देना होगा कि कौन सी मेल आईडी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं। बट इतना याद रखना कि वो ही मेल आईडी के थ्रू ही आपके सारे कन्वर्सेशन होंगे, पेमेंट और प्रोजेक्ट और सारे एग्रीमेंट आपके उसी मेल के थ्रू होंगे। तो मैं एक अपना एक मेल आईडी टाइप कर देता हूँ, anuj3869@gmail.com। इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आगे देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है।
इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना होगा जैसे जैसे ये चीज़ें मांगता है।